नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत चुनौतियां हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कंपटीशन हो, चाहे सरकारी हो या फिर गैर सरकारी नौकरी हो, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बच्चों के लिए काफी परेशानी हो गई है। समय बदला तो ये भी एक बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन ऐसे में जरूरी है बच्चों को कोई बेहतर गाइड मिले, कोई ऐसा पथ दिखाने वाला मिले जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दे। तो आज मेरे साथ जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद है वो बेहद खास है। ये गुरुकुल संस्थान हजारीबाग के सबसे चर्चित गुरुकुल संस्थान के निदेशक जेपी जैन है, जिन्होंने हजारीबाग को कई डिप्टी कलेक्टर और कई डीएसपी दिए। तो आइए जानते हैं जेपी जैन जी से इनके इस गुरुकुल के पूरे सफर को। जेपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया, धन्यवाद। पहले जानना चाहेंगे कि इस संस्थान की शुरुआत आपने कैसे और कब की? भैया, मैं मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पे अन्नदा स्कूल से ही हुई है, और अन्नदा स्कूल बहुत अच्छी पढ़ाई के लिए जाना जाता था। उस समय कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता था जो कि मैट्रिक में फेल फर्स्ट डिवीजन नहीं करता था, सभी बच्चे फर्स्ट करते थे। और एक सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी इतनी गुणवत्तापूर्ण अध्यापन शैली थी, मैथ्स के, आपको बायोलॉजी के, साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के, संस्कृत के, सभी टीचर बहुत ही विशिष्ट कोटि के थे। और वहीं से हम लोगों का बेस बना है। लोगों को ये लगता है कि नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ने वाले बच्चे ऐसा कर सकते हैं, तो ये मिथक मुझे लगता है। क्योंकि अन्नदा स्कूल में जैसी पढ़ाई होती थी, और आज भी हम लोगों को वो सभी शिक्षक याद है जो हम लोगों को पढ़ाते थे, और जिनके हम लोगों ने उन लोगों से मार भी खाया है। संस्कृत का हम लोग जो है शब्द रूप धातु रूप नहीं याद करके आते, तो गिरी जी थे जो अब नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए, तो वो हम लोगों को खजूर की छड़ी से और थेथर का जो बांस का जो आता है उससे मारते थे। उस समय तो बहुत क्रोध आता था, गुस्सा आता था कि शिक्षक क्यों मुझे मार रहे हैं। लेकिन आज यह एहसास होता है कि यदि उन लोगों की मार नहीं पड़ती, यदि उन लोगों की डांट नहीं पड़ती, तो आज जो हम लोग कुछ करने लायक हुए हैं, कुछ बताने लायक हुए हैं, कुछ बच्चों को मार्गदर्शन दे पा रहे हैं, वो नहीं दे पाते। तो उस स्कूल से शिक्षा दीक्षा हुई, तो मैं उस स्कूल और उनके सभी शिक्षकों के प्रति बहुत ऋणी हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उसके बाद मैं अन्नदा कॉलेज से ही मैंने आईकॉम और फिर बीकॉम किया, और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया 1995 में। वहाँ से मैंने यूपीएससी की तैयारी की, और वहाँ पर कोचिंग भी मैंने ली, काफ़ी मेहनत किया। और मैंने बीकॉम किया था तो मुझे हिस्ट्री का एच भी नहीं मालूम था, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब विषय मेरे लिए बिल्कुल नए थे। लेकिन एक जोश था, एक जज्बा था, एक जुनून था। बचपन से ही मैं जब आईएएस आईपीएस अधिकारियों को देखता था, उस समय लाल बत्ती वगैरह का प्रावधान था, बॉडीगार्ड्स, बड़े बड़े बंगले, नौकर चाकर, ग्लैमर, पावर, जब उनको देखता था सब लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आतुर रहते थे। सब लोगों को मैं देखता था कि नहीं भाई, उनसे मिलने के लिए, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए, बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाने के लिए, उनको अपने यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने के लिए सब लोग बहुत जो है रोमांचकता लोगों को नजर आती थी। तो मुझे उसी समय मुझे लगता था कि नहीं, यह फील्ड एक बहुत शानदार फील्ड है, और इस फील्ड में आकर के आप समाज सेवा बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आप एक पूरे जिले को कवर करते हैं। आप मनरेगा के थ्रू, इंदिरा आवास योजना के थ्रू, अन्य कार्यक्रमों के थ्रू आप लोगों को, जो समाज के निम्न तबके के लोग हैं, जो अभिवंचित वर्ग के लोग हैं, उनको आप सेवा दे सकते हैं। तो मेरे सपने में, मेरे दिल में उसी समय एक ख्वाब जगा कि नहीं, मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए। घर वालों का समर्थन मिला, मित्रों का समर्थन मिला, मैं दिल्ली गया, वहाँ मैंने तैयारी की, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिली, साक्षात्कार तक भी पहुँचा। लेकिन अंतिम रूप से जब सफलता नहीं मिल पाई, कुछ कमियाँ रही होंगी, तब मैं वापस जब हजारीबाग की ओर आया, तो मुझे लगा हजारीबाग में जब मैंने देखा कि बच्चे काफी प्रतिभावान हैं, बहुत ही बच्चों में कूट कूट करके प्रतिभा भरी हुई है, और इवन ग्रामीण प्रतिभाएं भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगा नहीं, अब जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है दिल्ली में, उसको मुझे यहाँ पे बांटना चाहिए। हमारे झारखंड राज्य के बच्चों, हमारे हजारीबाग के बच्चों को, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास साधन संपन्नता नहीं है, जिनको जानकारी तक नहीं रहती कि कौन कौन से फॉर्म आए हैं, कौन से फॉर्म नहीं आए हैं, जो अपडेट नहीं है, और जिनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, मैंने 2003 में यहाँ पे गुरुकुल संस्था की नींव अन्नदा चौक के एक छोटे से कमरे में रखी थी। उस समय डीआईजी श्री बीबी प्रधान साहब थे, और एसडीओ श्रीमती पूजा सिंघल जी थी, और अनुराग गुप्ता सर एसपी भी थे। काफी उन लोगों का कोऑपरेशन मिला, और उन लोगों के प्रोत्साहन से संस्थान ने शुरुआत की थी। मात्र 3 बच्चों से हम लोगों ने शुरुआत की थी, और मैंने कुछ महीने फ्री पढ़ाए थे जेपीएससी के बच्चों को, समय जेपीएससी फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और जो मैंने पढ़ाया उन लोगों को 2-3 महीने फ्री, वो लगभग 90% क्वेश्चंस उसमें से आ गए एग्जामिनेशन में, और काफी बच्चे सफल हो गए। तो वहीं से संस्थान धीरे धीरे करके जो है एकदम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो गई, और जो रिजल्ट आने शुरू हुए, गुणवत्तापूर्ण अध्यापन शैली जो हम लोगों ने देने शुरू की, तो बच्चे काफी प्रभावित हुए, और उसके बाद से लगातार हर क्षेत्र में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, टीचर हो,
दरोगा हो, यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, सीटेट हो, जेटेट हो, हर जगह हम लोगों ने रिजल्ट दिया। और हम लोगों ने जो एम के साथ शुरू किया था कि नहीं, यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, जो संसाधन विहीन हैं, जो किसान पुत्र हैं, जो मजदूर पुत्र हैं, जिनके पिताजी रिक्शा चालक हैं, ठेला चालक हैं, जो अपने बच्चों को अथाभाव के कारण दिल्ली, पटना, रांची जैसे बड़े शहरों में नहीं भेज सकते हैं, लड़कियों को नहीं भेज सकते हैं असुरक्षा के कारण, उनको यहीं पर इतनी गुणवत्तापूर्ण अध्यापन दी जाए कि वो यहीं रह करके सक्सेस हो जाएं। तो हमने विगत 18 वर्षों में जो इतने रिजल्ट दिए हैं, हमें लगता है कि हमारा सपना जो है पूरा हो रहा है धीरे धीरे, और अभी और भी कई सपनों को पूरा करना है। आपने खुद भी तैयारी की थी यूपीएससी की, जी, सफलता मिली नहीं, आपने कहा कि आप दो बार साक्षात्कार तक पहुंचे, जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि तैयारी करते वक्त आपको जो अनुभव हुए, तो उस आधार पे आपको क्या लगा कि हजारीबाग के बच्चों को कैसी शिक्षा या कैसा गाइडेंस देना चाहिए ताकि वो इस तरह की परीक्षाओं में सफल हो जाए? जी, मुझे उस समय भैया जब मैं तैयारी कर रहा था दिल्ली में, तो हम लोग ग्रुप स्टडी भी करते थे वहाँ पर, सब विषय के ज्ञानवान जो मेरे मित्र थे अलग अलग विषय के, किसी का हिस्ट्री बहुत अच्छा था, किसी का पॉलिटी अच्छा था, किसी का इकोनॉमिक्स अच्छा था, किसी का साइंस अच्छा था, किसी का मैथ्स था, उस समय मैथ्स से स्टैट्स पोर्शन सांख्यिकी से भी प्रश्न पूछे जाते थे यूपीएससी में, तो हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे और जिनका पोर्शन वीक होता था वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज करते थे, तो इससे काफ़ी फायदा होता था। प्लस हम लोग कोचिंग जाते थे तो वहाँ टीचर की एक एक एक्टिविटीज़ को मैं गौर से देखता था कि वो कैसे पढ़ाते हैं, उनका एक्सप्रेशन ऑफ स्टाइल कैसा है, वो बच्चों को कैसे बहुत कठिन चीजों को भी बहुत आसान तरीके से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एकदम डाउन टू अर्थ जाकर के एकदम बेसिक चीजों को बतलाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के उदाहरणों से, तो वो बहुत आसान बन जाता था। और उन्हीं सब चीजों को जब मैंने ग्रास्प किया तो मुझे लगा कि नहीं, मैं यदि अपने छोटे से शहर में, अपने प्यारे से शहर हजारीबाग में यदि इस चीज को बच्चों को देता हूं और जो चीजें मैंने सीखी है वहां से, तो निश्चित तौर पर यहां के भी बच्चे यूपीएससी में, जेपीएससी में, अदर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर के जितने भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसमें सफलता निश्चित तौर पर देंगे। तो दिल्ली मेरी एक तरीके से कहा जाए तो एक प्रयोगशाला रही जहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा और कैसे अध्ययन किया जाता। हम लोग वहां पे 18-18 घंटे तक पढ़ते थे, मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोग घर से निकले महीनों हम लोगों को हो जाते थे, मतलब मेहनत किसको कहा जाता वो हम लोगों ने वहां पे जिया उस चीज को, मतलब रूम में बंद हुए तो एकदम पैक रहे इस तरह का ये होना, मतलब कभी कभी सूर्य को देखे बहुत दिन हो जाता था, तो मेहनत तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा की। मतलब इवन एनसीईआरटी की पुस्तकें जो हिस्ट्री की होती थी 6 to 12 की, वो हम लोगों ने इतनी ज्यादा बार पढ़ ली थी कि उसका कॉमा फुल स्टॉप भी हम लोगों को रटा गया था, मतलब पेज वाइज भी हम लोग रट गए थे। तो ये स्थिति होती थी, मतलब मजा आता था, मतलब एक जुनून था अंदर से, जोश था कि नहीं ऐसा करना है। तो वो जो जोश, जज्बा, जुनून जो वहां से आया, और ठीक है हम लोग सफल नहीं हो पाए, हम लोगों ने जिनको मार्गदर्शन दिया वो सफल हो पाए, कुछ कमियां रही होंगी या कुछ विषयों पर हम लोग ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए होंगे या साक्षात्कार में कुछ कमी रही होगी, लेकिन आज सबसे आनंद की अनुभूति होती है कि हम लोग खुद बनते तो केवल एक व्यक्ति ही बनता, लेकिन आज जब हजारीबाग में रह करके कई बच्चों को बना रहे हैं और वो बच्चे आकर के उनके माता पिता आकर के भैया जो आशीर्वाद देते हैं और उनसे जो हम लोगों को जो एक तरीके का ब्लेसिंग्स मिलता है वो हम लोगों के लिए मतलब कई आईएएस बनने के बराबर है। ये 18 साल पहले जी बच्चों के साथ आपने शुरुआत की थी जी, और आज कई सौ बच्चे आपके पास हैं, आप गुरुकुल को एक सबसे बेहतरीन संस्थान होने का दावा करते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या चीजें हैं जो गुरुकुल को अन्य जो संस्थान है उनसे उनको आगे रखती है? जी भैया, इसमें तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट भी करते हैं। हम लोगों का कहना है कि आप सिर्फ पढ़ो नहीं, आप मोटिवेट अपने आप को करो, यदि आप मोटिवेट हो जाओगे तो फिर पढ़ाई के प्रति आप खुद ब खुद आ जाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग जब हम लोग क्लासेस की करते हैं तो उसमें हम लोग मोटिवेशनल बातें करते हैं, उनके अंदर जोश, जज्बा, जुनून, एक जबरदस्त कुछ कर गुजरने का जज्बा हम लोग उनके अंदर में लाते हैं ताकि उनका व्यक्तित्व निखर करके सामने आए। प्लस हम लोग उनको पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य चीजें जो जीवन में काफी जरूरी है, योगा, प्राणायाम, हेल्थ इज वेल्थ को आप कैसे अपनाएं, साथ ही साथ सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग कर रहे हैं आजकल के बच्चे, जो गलत दिशा की ओर चले जाते हैं गलत जो है चीजों का इस्तेमाल करके, उससे भी हम लोग उन्हें रोकते हैं कि नहीं आप उनको व्हाट्सएप का, फेसबुक का सही उपयोग करें, ज्ञानवर्धक चीजों में आप उसको चैट करें, और यूट्यूब वगैरह के द्वारा भी हम लोग जो है उनको सही मार्गदर्शन देते हैं ताकि पढ़ाई के अतिरिक्त भी वो जीवन में, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कोचिंग तो वो 2 घंटे के लिए आते हैं, 3 घंटे के लिए आते हैं, लेकिन बाकी 20-21 घंटे जो वो अपने लॉज में, हॉस्टल में, घर पे बिताते हैं, वहां वो जीवन शैली को कैसे अपनाएं, इस चीज पर हम लोगों का पूरा फोकस रहता है। पढ़ाई के साथ साथ हम लोग भैया डेली क्लास में क्विज करवाते हैं,
क्लास के अंत में। और जो जिस दिन हम लोगों ने जो क्लास लिया, मान लीजिए जैसे कि आज हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ाया, तो उस टॉपिक से क्लास के अंत में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सबसे ज्यादा सवालों का सही जवाब देता है उन्हें हम तुरंत पुरस्कृत करते हैं। इससे जो ग्रुप में बैठे हुए बच्चे रहते हैं उनके अंदर में एक लालसा रहती है कि मैं क्यों ना प्राइज जीतूं, मैं क्यों ना प्राइज जीतूं, और इस चक्कर में वो क्लास को बहुत ही ध्यान से भी सुनते हैं। अब जब वो इस बात को क्लास को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अंत में इस टॉपिक से मुझे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो क्लासेस को बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक तीर से दो शिकार करते हैं, यानी कि एक पंथ दो काज, हम लोग बच्चों के अंदर में वो टॉपिक को पूरा ग्रास्प करवा देते हैं। साथ ही साथ प्राइज के लिए वो बच्चे और भी ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, और जो बच्चा एक नंबर से मिस कर जाता है उसको अफसोस रहता है कि नहीं यार कल तो मुझे जीतना, वो चैलेंजिंग रूप में लेता है। तो इससे हमारे बच्चे जो है ग्रो तेज गति से करते हैं। तो ये हम लोगों का थोड़ा सा फंडा रहता है, प्रैक्टिस सेट करवाना, हर संडे को टेस्ट लेना, लगातार बच्चों को मोटिवेट करना, अपनी टीम के शिक्षकों को लगातार ये बताना कि नहीं आप टू द पॉइंट पढ़ाइए, सिलेबस को देखिए, प्रैक्टिस पेपर ज्यादा करवाइए बच्चों को। और तो और हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है ताकि बच्चों को हम लोग रिंग करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं कि नहीं आप जगे हुए हो कि नहीं, आप पढ़ रहे हो कि नहीं, आप सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं। प्लस किसी भी महापुरुष की जयंती आती है, अन्य कुछ कोई भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, तो हम लोग उसको तुरंत फेसबुक पे अपडेट करते हैं, व्हाट्सएप पे अपडेट करते हैं, ताकि बच्चे अप टू डेट रह सके कि हाँ ये सब पढ़ाई में हमें काम में आएगी। और यही कारण है कि विगत 18 वर्षों से हम लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, और हमें बहुत खुशी होती है कि बच्चों का पलायन अब दिल्ली पटना रांची की ओर नहीं हो रहा है। गार्जियन का भी विश्वास गुरुकुल पे बहुत ज्यादा है, और बच्चे तो बहुत ही ज्यादा प्यार और सम्मान देते हैं। कभी आपने कहा कि एक जुनून था आईएएस बनने का, कमरे में रह जाते थे, सूरज तक देख नहीं पाते थे, किताबों के कौमा तक आपको याद हो गए थे, वो जो जुनून है क्या वो जुनून अभी भी वैसा कुछ है कि मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहाँ वो निकाल ले किसी कंपटीशन में, किसी बड़े कंपटीशन को क्रैक कर ले, सफल हो जाए, तो वो कैसा जुनून अभी है जेपी जैन के अंदर? वो जुनून अभी भी है भैया, और अभी पिछले बार से जो ज्यादा जुनून है। उस समय जुनून था भैया स्वयं को बनाने का, अभी जुनून है औरों को बनाने का। क्योंकि एक आईएएस, एक आईपीएस, एक जेपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा में चयनित अभ्यर्थी जब आते हैं, आपके पांव छूते हैं, मिठाई लेकर के आते हैं, उनके गार्जियन आपको धन्यवाद देते हैं कि नहीं सर आप लोगों के चलते मेरे बच्चे का भविष्य बन गया, तो इससे जो ऊर्जा मिलती है वो मैं बता नहीं सकता। ये मतलब करोड़ों अरबों रुपये भी आप कमा करके नहीं प्राप्त कर सकते हो, और ये खुशी जो आती है, तो इसके लिए हम लोगों को हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि 2003 में जब हम लोगों ने गुरुकुल संस्थान की नींव रखी थी, तो मैं खुद और मेरे छात्र हम लोग हॉस्टल हॉस्टल जाते थे, यहाँ पे जितने भी हॉस्टल सजारी बाग के हैं, और वहां जाकर के बच्चों को हम लोग प्रेरित करते थे हॉस्टल्स वगैरह में। मैंने यहाँ पे जो अंबेडकर कल्याण छात्रावास है जहाँ पे, और आदिवासी हॉस्टल है, वहां के भी बच्चों को मैंने निःशुल्क पढ़ाया है जाकर के। रात को मैं 7 बजे जाता था और 10 बजे तक मैं वहां पे क्लास लेता था, ताकि ऐसे बच्चे जो अर्थाभाव के कारण नहीं आ पाते थे, जिनके पास स्थिति नहीं होती थी कोचिंग में पैसे जमा करने की, हमने कहा नहीं, हमारा एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी बनता है। और आपने देखा होगा भैया हमेशा कि गुरुकुल न केवल पठन पाठन बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व में भी, हमेशा आपने देखा होगा छठ पूजा पर भी हम लोग सूप, फल, नारियल का वितरण करते हैं, रामनवमी में भी हमारा चना और मेडिकल कैंप का स्टॉल लगता है, सरस्वती पूजा में भी हम अनाथ आवासीय विद्यालय, वृद्धाश्रम, मूक बधिर बच्चों के स्कूल, दिव्यांग बच्चों के स्कूल में जाकर पठन सामग्री, केंट वाटर प्यूरिफायर और साड़ी धोती और कई तरह की चीजों का वितरण करते हैं। तो हमारा मानना है कि सिर्फ धनोपार्जन उद्देश्य नहीं होना चाहिए कोचिंग संस्थानों का, हमारा उद्देश्य समाज को एक नई दशा और दिशा देना, और समाज के अभिवंचित वर्ग के प्रति भी सेवा भावना होनी चाहिए। तो वो जुनून भैया आज भी बरकरार है, आज भी मैं रात 12-1 बजे तक अध्ययन करता हूं, क्योंकि अगले दिन जो जाकर के हम लोगों को पढ़ाना है, हम अपडेट नहीं रहेंगे तो हम बच्चों के पास कैसे टिक पाएंगे, क्योंकि जो भी बच्चे आते हैं सब एक से एक धुरंधर आते हैं, पीजी किए हुए, पीएचडी किए हुए, जो कि अपने विषयों पर बहुत ज्यादा ज्ञाता होते हैं, तो उनके पास आप जब तक उनसे ज्यादा नहीं जानोगे तो आप उनके पास नहीं सक पाओगे, क्योंकि वो तो क्वेश्चन बहुत पूछेंगे। तो हम लोग आज भी अपडेट होकर के जाते हैं, आज भी हम लोग रात को 5-6 घंटा से ज्यादा नहीं सो पाते हैं, और मेहनत आज भी वही है। दिन भर में मैं आपको बता दूं कि 12-13 घंटा मैं क्लासेस लेता हूं, और 13वीं क्लास में मैं जब रात को 8 बजे या 7 बजे लेता रहता हूं तो वही एनर्जी रहती है जो सुबह 6 बजे के क्लास में रहती है। ये नहीं कि मैं थक गया तो चेहरे पर थकावट नजर आ रही है, ऊर्जा की कमी नजर आ रही है, ऐसा नहीं होता है। वो 13वीं क्लास में भी स्टूडेंट बोलता है कि नहीं सर ये सुबह वाला ही आप जो तरोताजा लग रहे थे, और वही स्टाइल, वही जुनून, वही जोश, वही आवाज रहती है। तो ये हम लोगों की कोशिश होती है कि नहीं एकदम टू द पॉइंट चलें और एनर्जेटिक बने रहें, ताकि बच्चे एकदम हम लोगों से एनर्जेटिक और अपने आप को सफलता के पथ पर ले जाएं। 2003 में जब आपने 3 बच्चों के साथ गुरुकुल की शुरुआत की थी, तो मन में कहीं ना कहीं एक सपना जरूर होगा कि इसे मैं एक बड़े स्तर पर स्थापित कर दूं आने वाले समय में। तो वो दिन कब आया जब आपके बच्चों ने कंप्लीट किया किसी कंपटीशन में, जब आपको लगा कि नहीं मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? जी, 2003 बड़ी रिजल्ट उसके बाद फिर कब आई आपके? जी, 2003 में जब हम लोगों ने शुरू किया था तो उस समय
जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली थी और उसी समय हम लोगों ने 3 बच्चों से शुरुआत की थी। धीरे धीरे करके वो काफिला मुझे लगता है कि लगभग 40 बच्चों के रूप में परिवर्तित हुआ था। 40 बच्चों को हम लोगों ने पीटी और मेंस जो है वो निःशुल्क पढ़ाया और बच्चे काफी मेरा भी सौभाग्य था कि बच्चे काफी प्रतिभावान आया था उस समय और बहुत मेहनती भी थे। जैसे जैसे हम लोगों ने रास्ता बताया वैसे वैसे उस रास्ते पर उछले। प्रथम रिजल्ट वो आया था, क्रैक किया था लगभग, उसमें से 6 बच्चों ने फाइनल सिलेक्शन हुआ था डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के रूप में, डीवाईएसपी के रूप में। तो हम लोगों से का उसी समय से उत्साह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया कि नहीं, अब हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं। और उन्हीं 30-40 बच्चों के ग्रुप को जिन्हें हम लोगों ने निःशुल्क पढ़ाया था, उन्होंने पूरे मार्केट में एक ऐसा समा बांध दिया कि गुरुकुल धीरे धीरे प्रगति के पथ पर अग्रसर होना शुरू हो गया। और आज लगभग मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रही है और खुशी की अनुभूति हो रही है कि आज लगभग 3,500 बच्चे संस्थान में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं और जो 30-40 बच्चों से काफिला शुरू हुआ था वो आज एक बहुत अच्छे मुकाम पर आकर के चल रहा है। ये पूरे जो 18 साल का सफर है, इसमें टोटल कितने आप लोगों ने अभी तक डिप्टी कलेक्टर्स और डीएसपी दिए होंगे? भैया टोटल रिजल्ट्स की बात की जाए, यदि मैं सबको मिला जुला करके कहूँ तो लगभग हम लोगों ने 4,000 से ज्यादा रिजल्ट दिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट हमारे शिक्षक झारखंड शिक्षक परीक्षा में रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों का रिजल्ट लगभग 800 से भी ज्यादा है। जो बच्चे आज प्राथमिक स्कूलों में टीचर हैं, हाई स्कूल में हैं, प्लस टू टीचर्स हैं, वो काफी अच्छा रिजल्ट हम लोगों का रहा था। और बाकी यदि बात की जाए एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में, झारखंड दरोगा में भी 222 रिजल्ट हम लोगों ने दिए थे। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ अभी, मतलब मुझे बताते हुए बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि झारखंड में कोई भी थाना ऐसा नहीं होगा जहां हमारे बच्चे दरोगा के रूप में ना हो। तो एक टीचर के लिए इससे बड़े सम्मान की बात क्या हो सकती है। और जेपीएससी जो अभी तक 6 जेपीएससी कंप्लीट हो चुकी है, उसमें भी लगभग 50 से ज्यादा डिप्टी कलेक्टर, लगभग 15-20 से ज्यादा डीएसपी और अन्य कई पदों पर हमारे बच्चे जो है अभी विभिन्न जगह पर कार्यरत हैं। अभी सिमरिया में एसडीपीओ अशोक कुमार प्रियदर्शी हैं, वो भी हम लोगों के गुरुकुल के छात्र हैं। गिरिडीह में एसडीपीओ हैं संदीप सुमन प्रियदर्शी, जो कि स्वर्गीय नेहरू लाल यादव जी के भी पुत्र हैं, वो भी गुरुकुल के छात्र हैं। और कई छात्र हैं ऐसे जिन पर संस्थान को बहुत गर्व है कि आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पुलिस विभाग में या डिप्टी कलेक्टर के रूप में वो जाकर के जनता की सेवा कर रहे हैं और पुलिस पब्लिक के बीच जो एक मधुर संबंध होता है उसको कायम कर रहे हैं। जेपी जी, मैं आपसे कुछ एक कड़वे सवाल भी पूछूंगा जी। हजारीबाग में बहुत सारे कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं जी। किसी को लगता है कि गुरुकुल अगर काम कर रहा है या कोई दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं भी वो खोलूं और मैं भी वही करूं, लोगों को तुरंत दिखता है कि मैं यहाँ से धनी हो सकता हूँ। शिक्षा देने की बात फिर यहाँ पर अलग हो जाती है। इसमें क्या होता है कि एक रेस भी हो रहा है कि कोई बच्चा अगर कंप्लीट कर रहा है तो उसके दावेदार कई खड़े हो जाते हैं, किसने कोचिंग मेरे यहाँ से किया, जो कहता है मेरे यहाँ से किया। क्योंकि मैं अखबार में भी हूँ तो मैं देखता हूँ कि कई प्रेस विज्ञप्ति अलग अलग संस्थान के पहुंच जाते हैं, एक बच्चा जिसने कंप्लीट किया उसके कई दावेदार। तो आपसे जानना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये तो एक सोसाइटी में गलत मैसेज जा रहा है। जी, मैं इसको क्लियर कर दूं भैया कि कहाँ पे ये गलतफहमी आ रही है। कोचिंग एक शहर में यदि बहुत ज्यादा खुल रहे हैं तो एक अच्छा संदेश है कि चलिए बच्चे पढ़ने के उत्सुक हो रहे हैं, कोई 5 बच्चों से शुरू कर रहे हैं, कोई 10 बच्चे से शुरू कर रहे हैं। और देखिए भैया, इसमें वही लोग टिक पाएंगे जिनके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, जो रिजल्ट दे पाएंगे, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज्यादा आजकल जो है एकदम बहुत प्रोग्रेसिव है और बहुत टैलेंटेड है। बच्चे जानते हैं कि कौन सा कोचिंग संस्थान अच्छा है, कौन मुझे सही मार्गदर्शन दे पाएगा, इसलिए वो चयनित करने में भी अपने आप को ये रखते हैं। प्लस जो रिजल्ट की बात है कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान दावा करते हैं कि ये इस बच्चे ने मेरे यहाँ से पढ़ा, मान लीजिए जेपीएससी में किसी ने रिजल्ट दिया या यूपीएससी में दिया या बैंकिंग रेलवे एसएससी में, कई दावेदार आ जाते हैं। तो मैं उसको क्लियर कर दूं आज एकदम आपके सामने इस चैनल के माध्यम से, तो आपको भी ये बातें क्लियर हो जाएंगी भैया। एक बच्चा जो होता है, जो सफल होता है, वो कभी कभी ऐसा करता है कि जिस कोचिंग संस्थान का जो विषय अच्छा है वो वहां से जाकर के मार्गदर्शन लेता है। ये बहुत बारीक बात है, इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री उसको बहुत अच्छा लगा मेरे यहाँ पे, तो उसने हिस्ट्री मेरे यहाँ से आके पढ़ लिया। कहीं पर उसको मैथ्स अच्छा लगा तो मैथ्स उसने वहां से कर लिया, कहीं उसको रीजनिंग अच्छा लगा तो उसने रीजनिंग वहां से कर लिया। तो ऐसी स्थिति में जब वो सफल होता है तो चूंकि वो हर जगह पे जा चुका है और हर जगह से मार्गदर्शन ले चुका है और उसने अलग अलग शिक्षकों से मार्गदर्शन लिया, तो उन शिक्षकों को लगता है कि नहीं, मेरा दावा भी इन पर बनता है। ऐसी स्थिति में वो आपको जो है सूचना देते हैं कि नहीं, मेरा भी बच्चा है। तो मैं यहाँ पे बहुत उदार हृदय से कहना चाहूंगा कि यदि कोई शिक्षक कहते हैं और जेन्युइन वो बच्चा उनके यहाँ पे गया है, कुछ दिनों के लिए भी गया है, तो ये तो उनका अधिकार बनता है भैया कि हाँ। क्योंकि देखिए होता क्या है भैया कि कहीं पीटी के लिए कोई तैयारी की है,
मेंस के लिए कहीं और तैयारी करने चले गए, इंटरव्यू के लिए कहीं और तैयारी करने चले गए। अब कहीं कभी कहीं ऐसा भी होता है कि पीटी में बेस हम लोग बनाते हैं, मेंस के लिए भी जबरदस्त मेहनत कर देते हैं, अब वो इंटरव्यू के एक दिन की सफलता के लिए वो तैयारी के लिए दूसरे संस्थानों में चला जाता है, तो वहां पर उनसे फॉर्म भरा लिया जाता है और फोटो वगैरह और नंबर लिखवा लिया जाता है। जैसे रिजल्ट आता है तो वो संस्थान दावा कर देती है कि सारे के सारे बच्चे मैंने रिजल्ट दिया है क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी मैंने करवाई। तो ऐसे में आप लोग उहापोह की स्थिति में आ जाते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पोल नहीं खोलना चाहता जी, कई बार ऐसा हुआ है जी कि वो छात्र उस संस्थान का नहीं रहा फिर भी दावा ठोक दिया गया जी जी, ये ऐसा होता है। इससे अलग मैं अब आपसे बात करता जी जी, कभी आपके पिताजी से मेरी बात हो रही थी तो पता लग, क्योंकि वो जेपी आंदोलन के ऊपर तो उन्होंने मुझे बताया था कि जेपी से प्रभावित होकर, जयप्रकाश नारायण से प्रभावित होकर आपका नाम उन्होंने जेपी रखा था, तो अपने नाम के अनुरूप क्या आप शिक्षा के क्षेत्र में, आप इस पूरे क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? भैया मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे पिता के संतान हूं जिनका समाज में, अपने वकीलों के समूह में और राजनीति के क्षेत्र में आज पूरे हजारीबाग में एक विशिष्ट पहचान है। बहुत संजीदगी वाले और बहुत अच्छे सोच के सकारात्मक ऊर्जा से अभिभूत हैं मेरे पिताजी। आज 84 ईयर्स ओल्ड है लेकिन ऊर्जा उनकी आप देखिएगा तो आपको लगेगा 25 वर्ष की युवाओं हाँ जैसी ऊर्जा है। रोज पैदल चलना और बहुत एक्टिव रहना, आज भी लेखन शैली वगैरह में काफी पारंगत। तो 1974 में जो जेपी आंदोलन हुआ था और पापा हजारीबाग में प्रथम थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उस आंदोलन के दौरान, दो बार वो मिसा में बंदी हुए थे, 25 महीने तक वो रहे थे, लालू जी, नीतीश कुमार, गौतम सागर राणा, अर्जुन यादव, नेहरू यादव जी, स्वर्गीय नेहरू यादव जी, उपेंद्र नाथ दास जी, नीतीश कुमार जी वगैरह सब उनके साथी रहे हैं उसी सब। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उस समय हजारीबाग सेंट्रल जेल में एक दिन के लिए आए थे और उसी दिन मेरा जन्म हुआ था 16 सितंबर 1974 को और मिठाई पहुंची थी जेल में। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूछा कि ये मिठाई किस खुशी में बट रही है, तो पापा लोग ने बताया कि, और अन्य लोग जो थे गौतम सागर राणा जी वगैरह, उन लोगों ने कहा कि जैन साहब को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है इसी खुशी में बट रही है। तो अटल जी ने पूछा कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बधाई हो आपको, तो उनका नाम आपने क्या रखा है? तो चूंकि पापा लोगों ने कहा कि चूंकि जेपी आंदोलन में उसका जन्म हुआ है तो इसलिए हम लोगों ने उसका नाम जेपी या जयप्रकाश रखा है, तो बहुत खुश हुए अटल जी भी और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। तो उन सभी महान आत्माओं हुतात्माओं का यह आशीर्वाद है कि आज इस मुकाम को हम लोग हासिल कर पाए हैं। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिन्होंने तख्त बदल दे, ताज बदल दे, बेईमानों का राज बदल दे, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, और इंदिरा गांधी जैसी सरकार को जिन्होंने हिला के रख दिया, सत्ता लोलुपता कभी भी उनमें नहीं रही, केवल जनता के प्रति वो समर्पित है, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और सर्वोदय योजना भी दी थी उन्होंने, तो ऐसे महान व्यक्तित्व तक मैं तो नहीं कर सकता कि मैं पहुंच पाऊंगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि उनके नाम की सार्थकता को कम से कम रखूं और उनके जैसा बनने की कोशिश करूं, और जैसा उन्होंने आंदोलन किया था अपने क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में देश को सुधारने के लिए, तो मैं शिक्षा जगत में उस आंदोलन का पुरोधा बन सकूं, यह मेरा प्रयास होगा। जेपी जी, हजारीबाग में जो भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं वो डिप्टी कलेक्टर सबसे ऊंचा, अगर मैं जॉब की बात करूं तो डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी पे फोकस करते हैं, अगर आईएएस की मैं बात करूं तो बहुत कम है उसका आंकड़ा आईएएस और आईपीएस का, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है भैया यहाँ पे कि जो भी बहुत क्रीम स्टूडेंट होते हैं, जो घर से साधन संपन्न होते हैं, मैं बहुत आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट तौर पर बात करना चाहूँगा और कहीं से भी कोई दुराव छुपाव वाली बात नहीं करना चाहूँगा, मैं जो भी साधन संपन्न है, क्रीम स्टूडेंट है, टॉपर्स हैं स्कूल्स के, संजय व्यास के, डीपीएस के, आपको एंजल साई के या नमन विद्या के, डीएवी के, ये सब बच्चे बाहर चले जाते हैं तैयारी के लिए, दिल्ली वगैरह चले जाते हैं और वहाँ पे चूंकि ये अथाभाव भी इनको नहीं होता है तो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में एडमिशन भी ले लेते हैं, सारे संसाधन इनको मिल जाते हैं, तो वो वहाँ पे अपनी पढ़ाई तैयारी करते हैं और यूपीएससी में वो सफल हो जाते हैं। हजारीबाग एक संसाधन विहीन जगह है और यहां पर अधिकांश बच्चे जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं वो बचते हैं यहां पर। प्लस दूसरी बात कि मैं यहां के सभी कोचिंग संस्थानों को भी बधाई देना चाहूंगा कि सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे या फिर ऐसे स्कूल में पढ़े हुए बच्चे जहां पर गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं हो पाती है, जिनको सही तरीके से लिखने भी नहीं आता है या सही तरीके से बोलने भी नहीं आता है, ऐसे बच्चों को यदि तैयार कर रही है कोचिंग संस्थान, इन पर यदि मेहनत कर रही है, इनको यदि एक छोटी सी नौकरी भी दिला दे रही है, पुलिस कांस्टेबल की भी नौकरी दिला दे रही है, तो मैं इसे बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूं। क्योंकि ऐसे बच्चे, अब आप सोचिए भैया कि अगर उनको लिखने दिया जाए एक पेज तो वो 20 गलतियां लगभग उसमें एक पेज में करेंगे, 25 गलतियां, तो ऐसे बच्चों को यदि आप राइटिंग स्किल ले आ रहे हो, उनके अंदर में इतना जोश जज्बा जुनून, इतने प्रैक्टिस करवा दे रहे हो उसको कि वो एकदम उत्साहित हो जा रहा है, तो रिजल्ट फिर उसका आना शुरू हो गया और हजारीबाग से भी यूपीएससी का रिजल्ट आना शुरू हो गया। ठीक है, अभी शुरुआत हम लोगों ने की है, दो चार अभी देखिए, धर्मेंद्र हमारे राजस्थान कैडर में आईपीएस हैं, शशांक अभी आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं हैदराबाद में, वो भी हजारीबाग के चौपारण के हैं, आकाश जैन को आप देखिए डिप्टी डायरेक्टर हैं ईडी में, सब हजारीबाग के सुन्नी मार्केट
पब्लिक के सामने ही रहने वाले हैं, और जो है कई विद्यार्थी हैं जो कि सफलता प्राप्त कर रहे हैं हजारीबाग से, और हजारीबाग में रह करके ही तैयारी कर वो सफलता प्राप्त करें। ठीक है, छोटा शहर है, संसाधन की कमी है, क्रीम स्टूडेंट बाहर चले जाते हैं, लेकिन हम लोग ये आपको वादा जरूर करेंगे कि धीरे धीरे ही सही हजारीबाग से भी यूपीएससी के रिजल्ट आने शुरू होंगे। आपने पिछले साल भी देखा होगा कि 4-5 रिजल्ट हजारीबाग से जो है आए थे, हजारीबाग के बच्चों ने और टॉप रैंक को हासिल किया था, तो अब रिजल्ट धीरे धीरे यहां से आने शुरू होंगे, और इस दिशा में भी हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों का प्रयास है। हम लोगों को वैसे स्टूडेंट भी यदि थोड़ा मिले जो डेडिकेटेड हो, क्योंकि यहां के स्टूडेंट का ही ख्वाहिश होता है कि नहीं सर पहले एक छोटा मोटा नौकरी प्राप्त कर लें उसके बाद हम लोग बड़ा ख्वाब देखें, तो मैं इसे भी कहीं से गलत नहीं मानता हूं कि वो एक प्लेटफॉर्म की तलाश में रहते हैं कि नहीं सर हमारे घर में बहुत बेरोजगारी है, सर हम बहुत नीडी हैं, हमारे पिताजी किसान हैं, मजदूर हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सर एक छोटी सी नौकरी भी पहले मिल जाए फिर हम बड़े ख्वाब को देखेंगे सर, तो ये भी एक पहलू हो जाता है कि रिजल्ट थोड़े से यूपीएससी में कम है, लेकिन हम लोगों का प्रयास लगातार जारी है कि हम लोग यहां से रिजल्ट अच्छा से अच्छा करें। आपने कहा कि छोटा शहर है जी, लोगों के पास पैसे की भी कमी है जी, लेकिन बहुत सारे कोचिंग संस्थान जो यहाँ खुल रहे हैं वो अपनी फीस को बहुत भारी भरकम रख रहे हैं, और ये अगर कोई लड़का प्रतिभावान भी है और उसमें क्षमता भी है किसी कंपटीशन को क्रैक करने का, लेकिन वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट तक जा नहीं सकता। मैं ये हजारीबाग की क्यों बात करूँ, अगर आप रांची भी चले जाइए या दिल्ली भी चले जाइए तो एक सामान्य घर के लोग के लिए अब संभव नहीं रह गया जी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं यही कहूंगा भैया कि कोचिंग संस्थानों को इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि बच्चे यदि सक्षम है, प्रतिभावान है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। मेरे यहाँ लगभग भैया 100 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ, कई दिव्यांग बच्चे ऐसे हैं, अनिल दांगी से मरिया का है जो अभी टीचर भी निकाल चुका है, वो हमारे पास आया बोला कि सर मैं बैसाखी से चल करके आता हूँ, हुरहुरू से बहुत थक जाता हूँ और फिर पढ़ाई में भी मेरा मैं उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। संस्था ने तुरंत उसे 8,000 रुपये का एक साइकिल दिलवाया और मैंने कहा कि आप निःशुल्क पढ़ो, जितने बैच में आपको पढ़ना पढ़ो, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा। आज देखिए उसने जेपीएससी में भी जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, जेटेड भी निकाल लिया, सीटेड भी निकाल लिया, यूपीटेड भी निकाल लिया उसने, और कई जगह सफलताएं प्राप्त की। तो आप यदि प्रतिभावान बच्चों को जो निडी हैं आप उन्हें यदि सपोर्ट कर देते हो, तो मैं सभी कोचिंग संचालकों से इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि प्रतिभावान बच्चे, निडी बच्चे यदि वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनको निश्चित तौर पर सपोर्ट करना चाहिए, और फीस आपको उतनी ही रखनी चाहिए जिससे आप अपना संचालन कर सके। शिक्षकों को चूंकि भैया पेमेंट करना पड़ता है, कोचिंग के अपने स्टाफ्स होते हैं, बिजली का बिल है, सारा मैनेजमेंट है, हर कुछ देखना पड़ता है, तो उस अनुसार से एक नॉमिनल फीस हम लोग रखते हैं ताकि बच्चे उसको दे सके, प्लस मासिक भी हम लोगों ने कर दिया कि ठीक है आप 500 रुपये 1,000 रुपये ही महीने करके दो, कोई जरूरत है। कभी कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर इस महीने हम नहीं दे पाएंगे, हमारी स्थिति अच्छी नहीं, हम लोग उसको भी कंसिडर करते हैं, ये नहीं कि नहीं आप नहीं दे पाओगे तो हम लोग ये इसमें ये कर देंगे, नहीं, हम लोग उस चीज को कंसिडर करके चलते हैं। अन्य संचालकों से भी मेरा अनुरोध होगा कि फीस को कटौती करें और बच्चों से उतनी ही फीस ले जिससे हम लोग अपना मैनेजमेंट चला सके, और बच्चे जो अर्थाभाव के कारण जेन्युइन बच्चे हैं, जो जो निश्चित तौर पर नीडी बच्चे हैं, उन्हें आप सहयोग करें तो निश्चित तौर पर वो बच्चा यदि सफल होगा तो आपने आज उनको उसको आज आप उससे फीस नहीं ले दो, कल वो सफल होगा तो आपसे वो कई बच्चों को जोड़ेगा, उस समय यदि आप इस चीज को भविष्य को देखोगे तो वो आपका एक प्रचारक, स्टार प्रचारक बन जाएगा। तो इस चीज को यदि सोच रखा जाए, सकारात्मक सोच, तो आने वाले समय में ये और भी अच्छा हजारीबाग में शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। जेपी जी, काफी लंबा समय हो गया आपको गुरुकुल संस्थान चलाते हुए, काफी कुछ अनुभव खट्टे और मीठे, तो अभी के जो बच्चे हैं वो जब 10th और 12th करते हैं तो उनको एक अंदाज हो जाता है, उनको हो जाता है कि हमें क्या करना आगे जाके, क्या मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, क्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है कि मेडिकल की पढ़ाई करनी है, तो ऐसे बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो यूपीएससी चुनते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती है, सीट तो काफी लिमिटेड है, और अगर सफलता नहीं मिली तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उन्हें क्या बताना चाहेंगे आप? जी, मैं उन्हें यही बताना चाहूंगा, अभी बहुत ये समय भी माकूल है जब आपने ये सवाल पूछा है, अभी 10th और 12th के भी रिजल्ट आने वाले हैं, तो 10th में ही किसी बच्चे को डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। यदि उसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फील्ड में या कंपनी सेक्रेटरी सीएस वगैरह हो गए, ICWA के क्षेत्र में या MBA वगैरह के क्षेत्र में इंटरेस्टेड है वो, तो उसे कॉमर्स अडॉप्ट करना चाहिए। यदि वो मेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे साइंस लेना चाहिए, और यदि वो एक एवरेज स्टूडेंट है तो वो आर्ट्स ले सकता है, यदि वो बिजनेस वगैरह लाइन में अपना जाना चाहता है तो। और ऐसे बच्चे जो कि यूपीएससी को मोटिवेट की और मोटिवेट हैं या यूपीएससी को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें मैं ये सलाह दूंगा कि वो इंटर में साइंस रखें, आईएससी में अपना पीसीएम रखें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी भी अपना साइड में रखें, और इंटरमीडिएट के बाद यानी प्लस टू के बाद उन्हें आर्ट्स के साथ, आर्ट्स पेपर के साथ ऑनर्स कर लेना चाहिए, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब विषयों के साथ। तो इससे फायदा क्या होगा कि वो यूपीएससी में जनरल स्टडीज के पेपर में साइंस और आर्ट्स दोनों का जो संतुलन स्थापित कर सकते हैं, बैलेंस रखते हैं, वो सफल हो पाते हैं। इसलिए आपको
इंटरमीडिएट में के लेवल पे आपने साइंस को अच्छा कर लिया और ग्रेजुएशन में आपने आर्ट्स पेपर को मजबूत कर लिया, तो ऐसा आप देखिएगा कि सफल जितने भी अभ्यर्थी रहे यूपीएससी के या जेपीएससी के, उनका कुछ कॉम्बिनेशन इसी प्रकार का रहा है। और ऐसे लोग सफलता जल्दी प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि उनको विषय को फिर से एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यूपीएससी में आपको डेप्थ पढ़ना पड़ता है किसी भी चीज को। तो आपने ग्रेजुएशन यदि आर्ट्स विषय से कर लिया और इंटरमीडिएट यदि साइंस से कर ली तो फिर सफलता निश्चित तौर पर मिल जाती है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि जो यूपीएससी की तैयारी करें, चूंकि पंचवर्षीय योजना है, एक लंबा टास्क है, एक गैम्बलिंग है, आप हो सकता है इंटरव्यू तक भी आकर के छट जाओ, फिर आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, आप डिप्रेशन में आ जाओगे, तो क्यों ना एक ऐसा ऑप्शन तैयार करके चला जाए, एक प्लेटफॉर्म को तैयार रखा जाए कि नहीं यहां नहीं तो ये सही है मेरे लिए। तो उसके चलते मैंने दिल्ली में भी देखा था कि बहुत से लोग लॉ भी कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, यूपीएससी की भी तैयारी करते, इवन उन्होंने लॉ पेपर भी यूपीएससी में रखा था जो कि बहुत स्कोरिंग है। तो वो बच्चे ऐसा करें कि या तो लॉ कर लें, एमबीए कर लें, या फिर छोटी मोटी जॉब जो होती है एसएससी की, रेलवे की, वो प्राप्त कर लें। संस्थान के, हम लोग के संस्थान के सफल यूपीएससी में जो छात्र रहे हैं आकाश जैन, उन्होंने भी यही चीज किया। जब उन्होंने देखा कि लगातार वो इंटरव्यू दे रहे हैं यूपीएससी का नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने एसएससी सीजीएल को निकाला, एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में हजारीबाग में ही कार्यरत थे, बैंक पीओ भी उन्होंने निकाला था और तो कई प्रतियोगिता परीक्षाएं भी निकाली थी। तो इससे क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ ही जाता है कि चलो मेरे पास कुछ खोने को नहीं है, है ना। और दूसरा कि आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो वहां पर वो इंटरव्यू बोर्ड यूपीएससी का देखता है कि आप सक्सेसफुल हो, ऑलरेडी एसएससी सीजीएल निकाला हुआ है आपने, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, इंटरव्यू में भी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो एक ऑप्शन तो आपको लेकर के चलना पड़ेगा, नहीं तो अब पहले जो कहते थे कि अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा, तो केवल मछली की आंख, तो अब मैं ये नहीं कहूंगा। पहले लोग कहते थे एक नाव की सवारी करो, तो अब मैं कहूंगा कि दो नाव की सवारी करो और दोनों को बैलेंस रखो, एक स्पीड में रखो ताकि गिरो नहीं, तो है ना। तो अब मछली की आंख नहीं, अब पूरा मछली का पेड़ वगैरह सब कुछ देखना होगा। की बात कर रहे हैं आप ताकि जी कहीं ना कहीं स्थायी तो हो जाए, स्थायी तो हो जाए, उधर तैयारी करते रहे जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि एक तरफ नौकरी छोड़ते जाए और यूपीएससी की, मैंने बहुत लोगों को देखा है यूपीएससी के चक्कर में वो एक तरफ नौकरी छोड़ते जाते हैं, अंत में कुछ भी मिलता नहीं जी, और वहीं से शुरुआत फिर डिप्रेशन की हो जाती है जी जी। तो वो उनसे लोगों को बच के रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। एक बात मैं आपसे और पूछूंगा कि आपने अपने संस्थान का नाम गुरुकुल रखा है जो कि बहुत कनेक्ट करता है लोगों को, इस संस्थान को लेके भविष्य में आपके और क्या योजनाएं हैं? भैया सबसे पहले मैं बता दूं कि गुरुकुल नाम, कई लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन की एक फिल्म मोहब्बतें जो आई थी उसमें गुरुकुल नाम था, जिसमें अमिताभ बच्चन एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल के रोल में थे, उससे प्रभावित होकर के, चूंकि उसी दौरान वो आई थी कि रखा है, तो मैंने कहा, मैंने बताया उनको कि नहीं ये नाम नहीं है। गुरुकुल हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का परिचायक है, और गुरुकुल का अर्थ ही होता है कि गुरु ऐसे जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। पहले भगवान राम से लेकर के महाभारत के काल में भी आपने देखा होगा कि सभी, चाहे राजा के बच्चे हों या मजदूर किसान के बच्चे हों, सभी ऋषि मुनियों के यहाँ जाते थे और वहीं जंगल में एक ही जैसे समरसता की भावना, सामाजिक एकरूपता की भावना के तहत सबों के साथ एक ही ट्रीटमेंट होता था और सब बच्चे उस गुरुकुल में ही अस्त्र शस्त्र ज्ञान सबकी शिक्षा प्राप्त करते थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना भारतीय सभ्यता और संस्कृति का नाम रखा जाए जो लोगों को अट्रैक्ट करे। एक बार में नाम कहाँ जा रहे, तो गुरुकुल जा रहे हैं, तो ये लगता है लोगों को कि हाँ ये पढ़ाई के लिए ही जा रहा है। तो इसलिए मेरे अंदर में ये लगा, मेरे मम्मी पापा ने भी कहा और कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे, जब मैं घर पर पढ़ाया करता था लगभग 8-10 बच्चों को एमएन हिस्ट्री वो कर रहे थे, तो मैंने पढ़ा, उनमें से दो लड़के टॉपर भी हुए, एक तो अभी सेंट कोलंबस कॉलेज में प्रोफेसर है, प्रोफेसर सौरभ, तो वो टॉपर भी था यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री में। तो मैं घर पे 6-8 बच्चों को पढ़ाया करता था और हिस्ट्री, तो उन लोगों ने भी मुझे राय दिया कि सर ये नाम आप रखिए, तो मुझे उसी समय बहुत अट्रैक्टिव लगा और मैंने ये नाम रखा। और आगे चलकर हम लोगों की योजनाएं हैं कि हम लोग, जैसा कि अब डिजिटल क्रांति आ रही है और जैसा कि सब जगह आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा ये हो रहा है, क्योंकि कोरोना की कब लहर कब कौन सी आ जाए, कोई बोल रहा है थर्ड वेरिएंट आ जा सकता है, कोई डेल्टा, कोई अल्फा, कोई बीटा, क्या क्या नाम आ रहे हैं, सुनने में भी अटपटा लगता है, कब तक सबको वैक्सीनेशन होगा नहीं होगा। तो ऐसे में हम लोगों की कोशिश है कि गुरुकुल को हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएँ, और हम लोग गुरुकुल को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला भी चुके हैं। प्रत्येक दिन अभी हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन क्विज करवाते हैं और टॉप 10 बच्चों को हम लोग पुरस्कृत करते हैं, उससे इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और जो बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, जो डिप्रेशन में आ गए हैं, जो इतने दिनों से नकारात्मकता की भावना से ओतप्रोत हो रहे हैं, जिनके अंदर में लग रहा है कि पढ़ाई कुछ नहीं है, अब हमारे लिए अंधकार है, तो उनके अंदर एक आशा की किरण जगी है। और विगत कुछ दिनों से हम लोगों ने इसको शुरू किया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये भी काफी कारगर होता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सबों से अपील भी करना चाहूंगा कि हमारे गुरुकुल के यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा उसे देखें। उसमें हम लोग पढ़ाई की इतनी सामग्री दे रहे हैं कि वो निश्चित तौर पर कोई बच्चा यदि घर बैठे भी तैयारी करता है तो उसका इसका फायदा होगा। भविष्य में हम लोग स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम और कई चीजें जो कि अत्याधुनिक समय की मांग है, जो समय की जरूरत है, उसको सब कुछ को हम लोग
लोग करने जा रहे हैं ताकि बच्चे क्लासरूम में भी बैठ करके और घर पर भी बैठ करके हर दृष्टिकोण से अपने आप को अपडेट कर सकें और फास्ट तरीके से उनको हम लोग कैलकुलेशन और जीवन में कैसे तेज गति से सफलता प्राप्त करनी है, इन सब चीजों को लेकर के हम लोगों की जो है सारी कुछ योजना है जिसको हम लोगों ने अमलीजामा करना पहनाना शुरू भी कर दिया है और धीरे धीरे करके हम लोग इन सब चीजों को और भी बेहतरीन तरीके से करने जा रहे हैं, जिससे हजारीबाग के बच्चे या हजारीबाग, मुझे बहुत गर्व होती है कि गुरुकुल में वर्तमान में केवल हजारीबाग ही नहीं, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, इवन रांची, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला और कई बच्चे तो ऐसे जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह के भी है, बिहार वगैरह के, वो भी आते हैं क्योंकि हम लोगों का जनरल स्टडीज इतना लोकप्रिय है जीएस कि मैं आपको बतला नहीं सकता। ये इसकी मतलब यूट्यूब में भी जब हम लोग क्विज वगैरह लेते हैं तो नागालैंड से इवन हम लोगों के साथ बच्चे जुड़ रहे हैं और वो लिखते कि नहीं सर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है इस कार्यक्रम में भाग लेकर आप लोगों को पढ़ाने का स्टाइल को देख के, तो मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि चलिए आज हजारीबाग छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय होती है, छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय, तो सभी जिले सभी प्रखंड से बच्चे आकर के तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए हम लोग पूर्णतः डेडिकेटेड है और समय के साथ हम लोग हर परिवर्तन करने को तैयार है जो आगे चल करके उनके लिए बहुत फायदेमंद हो। बताया कि आप आईएएस बनकर समाज सेवा करना चाहते थे लेकिन आपने कहा कि कुछ कमियां थी जिसके वजह से आप आईएएस बन नहीं पाए, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि कमियां नहीं थी, आप अभी जो फिलहाल कर रहे हैं 3000 आप लोगों को आपने नौकरी दी है, उन लोगों को एक गाइडेंस दिया है ताकि वो नौकरी कर सके, तो एक आपकी बड़ी टीम समाज सेवा के क्षेत्र में काम करिए, तो हमारी शुभकामनाएं आवाज डेली हासिल टीवी की तरफ से कि आगे भी आप ऐसा काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल में आए और इंटरव्यू के लिए वक्त निकाला। तो ये थे जेपी जैन, अगली बार फिर किसी और नए अतिथि के साथ आपसे मिलता हूँ, धन्यवाद।